Hi everyone! Welcome to Yurika Classes, and myself Professor Sudipto Ghosh, and we will be studying about your eighth standard chapter number three, indices and cube root. Okay? So in this chapter, basically, you people have already studied about indices in your previous standard, that is eighth standard, uh, seventh standard.

कुछ नए नए टॉपिक्स भी और पढ़ने हैं देन वी विल बी कवरिंग फ्यू ऑफ दैट इज रिलेटेड टू दैट इज लॉज ऑफ एंडाइसिस बट माइंड यू स्टूडेंट्स दिस लॉज ऑफ एंड आर गोइंग टू बी टू इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर स्टडीज एज वेल दिस आर बीन यूज इन योर हायर स्टैंडर्ड लाइक नाइन्थ स्टैंडर्ड टेंथ स्टैंडर्ड इवन आफ्टर दैट एज वेल सो लॉज ऑफ एंडाइसिस को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ओके चलो लेट्स बिगिन विद द एंडाइसिस चैप्टर नाउ the first thing that we should be aware about what is indices basically what is indices basically to so indices ka definition kuch is tarike se jata hai when a number a is multiplied by itself sir a ki number ko jab khud se hi multiply karenge to matlab kya hai matlab hai multiplied by itself repeatedly कितनी बार भी multiply करो। let's assume m times कितनी बार multiply कर रहे हैं m times m टाइम्स जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया m नंबर ऑफ टाइम्स इट इज रिटन एज लिखेंगे कैसे उसको रिटन एज ए टू द पावर m क्या लिखा हमने उसको ए टू द पावर m क्लियर ओके सो इट इज रेड एज पढ़ते कैसे है इसको हाउ डू वी रेड दिस थिंग एज कैसे पढ़ना है इसको ए टू द पावर m और a रेस टू पावर m अगेन नंबर ए इज मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ जब एक ही नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई करोगे सर कितनी बार करने का रिपीटेडली सर कितनी बार करने का एम नंबर ऑफ टाइम्स एम नंबर ऑफ टाइम्स इट इज रिटर्न एस क्या लिखते हैं हम उसको ए टू द पावर एम ओके कैसे पढ़ना है इट इज रेड एस ए रेस टू ए टू द पावर एम बोलो चलेगा नो प्रॉब्लम बट ए रेस टू पावर एम बोलेंगे तो भी हमारे लिए चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ बेसिकली इंडाइसिस के लिए हम डेफिनेशन बोलते हैं नाउ वन सच एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कि ए को हमने ए इंटू ए इंटू ए इंटू तक पहुंचे कहां तक पहुंचे पावर एम कैन आई राइट इट एज ए टू पावर एम ओके बेस इसको क्या बोलते हैं वट इज दिस कॉल्ड एज बेस क्या बोला इसको हमने बेस दिस कॉल्ड दिस इज कॉल्ड एज इंडेक्स क्या बोला इसको हमने इंडेक्स क्लियर इंडेक्स बोलते हैं कुछ लोग कुछ लोग पावर बोलते हैं कुछ लोग डिग्री बोलते हैं डिग्री को फिलहाल अभी साइड में रखते हैं वी वोट कंसिडर डिग्री एज ऑफ नाउ हम फिलहाल के लिए सिर्फ दो वर्ड के साथ काम करेंगे एक होगा इंडेक्स दूसरा होगा पावर ठीक है तो ये हो गया लिखा है हमने एम इज नथिंग बट इंडेक्स या फिर पावर ए इज बेसिकली बेस क्लियर ओके लेट्स कम ऑन टू द द नेक्स्ट नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ लेट्सिस नाउ दर आर टोटल इन टोटल एट लॉ ऑफ इंडाइसिस होता है एट जिसमें से हमें कभी ना किसी ने उसका नाम नहीं बताया था बट आई टेल यू वट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ एंडाइसिस द फर्स्ट लॉ ऑफ एंडाइसिस इज प्रोडक्ट लॉ सो वॉट इज दिस प्रोडक्ट लॉ प्रोडक्ट लॉ इज नथिंग बट ए टू दावर एम एन टू ए टू द पावर एम लॉजिक बेस सेम बेस सेम अगर बेस सेम है तो उसके पावर्स को या तो इंडेक्स को वी कैन ऐड उसके अगर बेस सेम है अगर नीचे वाला नंबर अगर सेम है तो उसके पावर्स या तो इंडेक्स को वी कैन ऐड तो एम प्लस एन हो जाएगा दिस इज बेसिकली कॉल्ड क्यू प्रोडक्ट बिकॉज बीच में साइन कौन सा दिखा मल्टीप्लीकेशन साइन दिखा दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट लॉ इज ए क्लियर ओके एक एग्जाम्पल लेते लेट्स टेक ए रेस टू सेवन इन टू ए रेज टू फोर लेट्स चेक सर बेस सेम है सर बेस सेम है करेक्ट है So powers will be added. Powers will be added. That is 7 plus 4. Done. So 7 plus 4 is going to give me 11. So that's my answer. A to the power 11. Clear? Okay. That's what my answer says. That's the first law of indices, students. First law of indices. First law of indices ka we kabula humne, product law. Why product law? Because Bishme consa sign multiplication ka sign Clear? Let's come on to the next. The second law. The second law says. डिवीजन है बीच में डिवीजन फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है डिवीजन ठीक है ओके आई एल चेंज द सेकंड आई एल राइट विद अ ब्लैक ओके सो ए टू पावर एम कैन ए राइट दिस एस ए टू दावर एम डिवाइड बाई डिवाइड बाई ए टू दावर एम ठीक है अगर अपना बेस सेम हो गया अगर बेस सेम है बीच में अगर डिविजन का साइन है डिवीजन का अगर साइन है द पावर्स विल बी सप्रैक्टेड द पावर्स विल बी सप्रैक्टेड एम माइनस एन एक्सर ओके सो अगर आपका बेस सेम है और उसके पावर्स अगर वो डिवीजन में है तो रिमेंबर क्वेश्चन लॉसेज क्वेश्चन लॉ दैट एकेंड लॉसिस की हम उसके पावर्स को या इंडेक्स को माइनस कर सकते हैं एम आई क्लियर तो बेसिकली एक एग्जाम्पल लेते हैं वापस से ए टू द पावर सेवन अपॉन अपॉन ए टू द पावर फोर सर बेस सेम है सर बेस सेम नो no प्रॉब्लम अगर बेस सेम है तो हम उसके इंडेक्स को या तो पावर को एड सप्रैक्ट uh, कर सकते हैं एड कब करते हैं प्रोडक्ट के साथ सप्रैक्ट कब करते हैं क्वेश्चन के साथ ठीक है तो कैन आई राइट दिस थिंग एज ए टू द पावर सेवन डिवाइड बाय फ्रैक्शन था तो मैंने बोला डिवाइड बाय दैट्स फाइन चलेगा Divide by. Okay. So this is a to the power 4. This can be written as a to the power 7 minus 4. What will be my answer? What will be my answer? My answer for this will be a to the power 3. A to the power 3. Clear? So that's my answer. Okay. So second law uh, that is quotient law is done now. Let's come on to the next now. Let's come on to the next now. The next thing that says third law, which is power law. Sir power law? Yes. एक पावर है उसका वापस है होल पावर मतलब क्या है समझते ए टू द पावर एम ए टू द पावर एम या फिर ए रेज टू पावर एम चलेगा पर सर होल पावर दिख रहा है उसके बाद एक बड़ा वाला ब्रैकेट बनाया है बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर वापस एक और पावर दिख रहा है तो आई कैन से दिस बेसिकली कॉल्ड एज पावर लॉ क्या बोलते हैं इसको हम लोग पावर लॉ जब कभी भी एक पावर है दूसरा पावर उसके ऊपर चढ़ के आएगा तो उसको हम बोलेंगे पावर लॉ क्लियर एक पावर दूसरा पावर होल के साथ तो बेसिकली कॉल्ड पावर लॉ खत्म ए टू द पावर ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है? मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहां पर ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में आएंगे फॉर एन एग्जाम्पल ए टू द पावर सेवन द होल पावर फोर क्या बोला ए टू पावर सेवन टू द होल पावर फोर मतलब फोर सेवन जावन फोर जा विल गिव मी ट्वेंटी एट फाइन ओके बेसिकली so अगर मुझे इसी चीज को लिखना होता तो मैं कैसे लिखता इस चीज को ध्यान से देखो ए टू द पावर सेवन इन टू फोर लिख सकते थे क्या कुड है इसके बाद ए टू द पावर ट्वेंटी एट बोल सकते हो आप ए टू द पावर ट्वेंटी एट वी कैन डेफिनेटली राइट दैट क्लियर ओके सो दिस वाज योर थर्ड लॉ थर्ड लॉ का नाम क्या था पावर लॉ वाई पावर लॉ एक पावर दिख रहा, रहा है उसके ऊपर वापस एक और पावर आ ऊपर मतलब बाहर द होल पावर ओके लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट फोर्थ फोर्थ लॉ लॉ व्हाट इज यहां पे प्रॉब्लम क्या था द फर्स्ट लॉ द प्रोडक्ट लॉ जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि अगर अपना बेस सेम है और उधर बेस सेम था अगर बेस सेम है तो कहीं ना कहीं उसके पावर्स या फिर इंडेक्स को हम प्लस कर सकते थे मल्टीप्लीकेशन में यहां पर वैसा नहीं है यहां पे कैसा है पावर्स एक ही पावर दिया हुआ है बट आपके बेस अलग अलग है लुक कैट ए टू बी ए टू बी ओके ए टू बी कॉल्ड द होल पावर एम अब वो जो पावर है वो दोनों के साथ स्प्लिट होगा दोनों के साथ जाएगा कैसे जाएगा एक बार ए के साथ दूसरी बार बी के साथ अगेन आई रिपीट दो अलग अलग नंबर्स है लेट्स अज्यूम है द होल पावर सेवन है तो हाउ कैन आई राइट हाउ कैन आई राइट तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं ए टू द पावर सेवन एंड फाइव टू द पावर थ्री जो भी आपका नंबर रहेगा टू द पावर दैट्स फाइन ओके तो यहां पर आते हैं एक बार ए के साथ दूसरी बार बी के साथ पावर को स्प्लिट किया हमने अलग अलग तो बेसिकली उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं टू इंटू थ्री टू द होल पावर फाइव सर दो दो है दो अलग अलग बेस है तो एक बार फाइव थ्री के साथ दूसरी बार सॉरी एक बार फाइव टू के साथ जाएगा एक बार थ्री के साथ जाएगा तो वी हैव रिटर्न अब टीचर्स अगर बोलेंगे कि सर सिंप्लीफिकेशन जरूरी है क्या यस yes, सिंप्लीफिकेशन फिर अगर करना है करो नहीं आ, बड़े बड़े नंबर्स है तो कोई टीचर आपको नहीं बोलेगा कि करो करके नहीं कोई नहीं बोलेगा ठीक है छोटे नंबर्स अगर है तो करने का फाइव टू 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 द पावर फाइव विल गिव यू वॉट थर्टी फिर वो एटी दे देगा सर वो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं इसीलिए छोटे नंबर अगर है तो करने का अदरवाइज छोड़ सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है द नेक्स्ट वन इट्स अबाउट क्वेश्चन के साथ हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था मतलब डिवीजन के साथ पढ़ा था तो डिवीजन के साथ ही यहां पर हमें क्या मिलेगा ए अपॉन बी टू द होल पावर एम क्या बोला मैंने ए अपॉन बी टू द होल पावर एम तो ये जो पावर एम था वो दोनों के साथ जाएगा दोनों के साथ जाएगा एक बार ऊपर वाले के साथ दूसरी बार नीचे वाले के साथ फॉर एन एग्जाम्पल क्वेश्चन सेम रखा था खाली मल्टीप्लीकेशन के बदले डिवाइड कर दिया क्वेश्चन में ऐसे ही कुछ तो था तो एक बार टू के साथ दूसरी बार फाइव के साथ सर अगर नंबर कैंसलेशन होते हैं लेट्स अज्यूम कि हमने इसको सिंप्लीफाई किया टू टू दावर फाइव यू थर्टी टू एंड थ्री टू दावर फाइव यू एटी वन सर कैन वी सिंप्लीफाई यस डेफिनेटली अगर वो कैंसिल होते हैं तो करने का नहीं होता है छोड़ दो चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है इज दैट क्लियर सो दिस वॉज योर फोर्थ लॉ सर इसका नाम दर इज नो नेम फॉर दिस दर इज नो नेम नेक्स्ट इज फिफ्थ लॉ फॉर यू पीपल नो वट इज फिफ्थ लॉ में इफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो अगर वो जीरो को इक्वल नहीं है मतलब अदर देन जीरो वॉट एवर इट कैन भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए बस पॉजिटिव इंटीजर क्योंकि क्योंकि नेगेटिव रूट निकालना हम लेवेंथ स्टैंडर्ड में सीखेंगे अभी नहीं टिल योर स्कूल डेज यू विल बी स्टिंग अबाउट ओनली पॉजिटिव रूट्स ठीक है टिल योर स्कूल डेज अप टिल योर टेंथ स्टैंडर्ड यू विल बी ओनली अबाउट दी पॉजिटिव रूट नेगेटिव रूट अभी नहीं पढ़ना है जो बच्चे आगे चल के साइंस कॉमर्स लेंगे तो उनके लिए वो नेगेटिव रूट लेवेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे ठीक है कीप इट असाइड फिलहाल नेगेटिव रूट्स को हम बाद में साइड में रखेंगे वो जब आप आओगे तब आप लोग पढ़ोगे वहां पे ठीक है तो ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और दूसरा ए शुड ऑलवेज ऑल्सो बी अ पॉजिटिव इंटीजर सर ये ए का वैल्यू अभी के लिए अगर मुझे नेगेटिव रखना है तो रख सकते क्या यस yes, रख सकते हो अगर लेट अस अस अज्यूम लेट अज्यूम कि अगर ये ए का वैल्यू लेट्स टॉक अबाउट दिस ए फर्स्ट अगर वो बेस नेगेटिव नंबर है कुछ लोग बोलेंगे सर नेगेटिव नंबर का रूट निकालना कैसा पॉसिबल है फॉर एन एग्जाम्पल इफ आई से माइनस टू द होल क्यूब रूट ऑफ माइनस टू अब लोगों को कंफ्यूजन हाउ इज दिस पॉसिबल ठीक है हमको उससे कोई मतलब नहीं है व्हाट एंडाइसिस सेज अपने को आंसर नहीं निकालना रूट्स नहीं निकालना कैलकुलेट नहीं करना है ओके okay? तो हमें क्या करना है तो हमें बेसिकली करना क्या था माइनस टू टू द होल पावर जो भी इसका ऑर्डर जो भी इसका यहां पे ऑर्डर दिखेगा उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो दैट इज वन बाई थ्री लुक एट दिस एन थ्रूट ऑफ पढ़ते कैसे इसको एन थ्रूट ऑफ ए क्या पढ़ा इसको हमने एन थ्रूट ऑफ ओके. वट एवर योर एंथ रूट ऑफ ए यहां पर जो भी कुछ दिखेगा दैट विल बी इन फ्रैक्शन वो जब रूट के बाहर आ जाएगा रूट हटेगा तो वो फ्रैक्शन में हो जाएगा वन अपॉन के फॉर्म में इज दैट क्लियर एग्जाम्पल ओके मैंने यहां पर नंबर ले लिया था तो यहां पर उन्होंने uh, हमने कुछ ऐसा लिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ ए क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग क्यूब रूट ऑफ ए कैसे लिखेंगे ए बेस विल रिमेन सेम बेस सेम रहेगा वन अपॉन थ्री अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला कि नेगेटिव नंबर का रूट नहीं निकलता है एग्रीड मैंने वो रीजन से बोला कि ताकि अगर कोई मुझे बोलता है कि सर डायरेक्ट आंसर बताओ ना जरा फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कि अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा है तो कुछ स्मार्ट स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे सर फोर दिख रहा है फोर का स्क्वायर रूट हमें पता है बट वो नेगेटिव नंबर को इग्नोर कर देते है सर नेगेटिव नंबर को इग्नोर कर दिया तो फर्क क्या पड़ा अरे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा यही तो मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि वो स्टैंडर्ड में पढ़ोगे इसका डायरेक्ट आंसर अब आ, कोई बच्चा ऐसा नहीं बोलेगा कि सर माइनस टू नो नो इज नॉट माइनस टू रिमे ठीक है तो इसका डायरेक्ट आंसर निकालना पॉसिबल नहीं है स्क्वायर रूट का डायरेक्ट आंसर यस अगर मुझे इस फॉर्म में लिखना है आई कुड हैव डायरेक्टली रिटन एज इसको हम कैसे लिख सकते थे माइनस फोर टू दावर वन अपॉइंट टू समझे इसको एंडाइसिस के फॉर्म में लॉ ऑफ एंडाइसिस के फॉर्म में अगर मुझे लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे इसको माइनस फोर टू द पावर वन पॉइंट टू क्लियर ओके दिस वॉज योर फिफ्थ लॉ लेट्स टॉक अबाउट द सिक्स लॉ बहुत सिंपल एकदम सिंपल ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दिख रहा है फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखा तो कहीं ना कहीं अभी तक तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर वन पढ़ लिया होगा दैट इज रैशनल एंड राशनल नंबर राइट तो रैशनल एनर राशनल नंबर में एम अपॉन एन को एक नाम से जानते हैं दैट बेसिकली रैशनल रैशनल नंबर होता है एम अपॉन एन तो एम अपॉन एन अगर मेरे लिए रैशनल नंबर है पर उसको एंडाइसिस के फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा ध्यान से देखेंगे दे, चलो सब इसको बोलते हैं पावर इसको बोलेंगे पावर जो ऊपर लिखा हुआ रहेगा जो नीचे लिखा हुआ रहेगा इसको बोलते हैं रूट रूट इज ऑलवेज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन रूट इज ऑलवेज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन देखो ध्यान से ये जो रूट था इसको यहां पे लिखा पावर था इसलिए बेस के ऊपर ही रखा है उसे एग्जाम्पल ए टू द पावर ए टू द पावर फोर अपॉन फाइव सर इसमें पावर कौन सा रूट कौन सा फोर इज माई पावर 5 5 4 तो इस तरीके से तो इसको लिखना कैसे होगा हाउ आर वी गोइंग टू राइट दैट पावर पावर कहां पे आता है अंदर जो नंबर होगा नंबर के ऊपर ही पावर रहेगा रूट कहां पे आएगा स्क्वायर रूट बनाने का रूट का साइन बनाने का और बाहर लिख देने का एक और एग्जांपल लेता है लेट्स टॉक अबाउट वन मोर एग्जांपल लेट्स से माय क्वेश्चन इज टू द पावर थ्री बाई टू वॉट इज थ्री फॉर मी पहले तो यह टू की बात करते ये जो बड़ा वाला टू दिख रहा है इस टू की बात करते हैं दैट इज बेस वो कौन है आपके लिए बेस व्री पावर वू रूट तो मेरा आंसर कैसे आएगा स्क्वेयर रूट क्योंकि टू है ना दैट इज स्क्वेयर रूट स्क्वेयर रूट को बोलते हैं वन पॉइंट टू ठीक है क्यूब रूट को बोलते हैं फोर्थ रूट को बोलेंगे वन अंट फोर फिफ्थ रूट को बोलेंगे वन अ फाइव तो यहां पे स्क्वेर रूट आज तक कभी भी आपने यहां पे ऐसा टू लिखा है नहीं लिखा है ना तो हम यहां पर भी नहीं लिखेंगे ओके okay? तो ये तो लिख दिया ये टू अंदर आएगा वो थ्री इसके ऊपर चले जाएगा दिस इज वॉट इंडिकेट्स दैट वन हमारा जो क्वेश्चन था और यह आंसर दोनों इक्वल है इज दिट्स क्लियर दिस इज सिक्स लॉ सिक्स लॉ छ लॉ पढ़ लिए हम लोगों ने लेट्स टॉक अबाउट द सेवेंथ लॉ और बहुत इंपॉर्टेंट है दिस इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको भूलना ही नहीं है इसको भूलना ही नहीं है क्यों क्योंकि ये बहुत जगह पे यूज होता है बहुत जगह पे बहुत मतलब हद पार जगह पे यूज होगा सेवेंथ लॉ इज जीरो इंडेक्स इज जीरो इंडेक्स पावर जीरो होगा एनीथिंग थिंग रेस टू जीरो एनीथिंग रेस टू जीरो बट सर वो एनीथिंग कैन दैट एनीथिंग बी जीरो नो हमने एक नोट लिखा है एनी नॉन जीरो नंबर जीरो इज़ ऑलवेज वन कोई भी नंबर क्यों ना हो उसके पावर में अगर जीरो है तो हमेशा आंसर वन होगा दैट सेस सर कैसे आया बताओ ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एम बेस सेम कोशेंट रूल कोशेंट लॉ एम माइनस एम कितना देगा जीरो तो इसका आंसर ये जीरो आएगा तो ये अगर जीरो देगा तो यहां पे वन आ जाएगा ये हमने प्रूफ किया ये हमने प्रूफ किया एग्जाम्पल टू टू द पावर जीरो टू टू द पावर जीरो वन ओके माइनस एट टू द पावर जीरो भी आंसर वन देगा मुझे ये भी आंसर मुझे वन देगा क्लियर है वन सेकेंड ओके यस सो दिस इज फाइन ये नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट एनी नॉन जीरो नंबर एनी नॉन जीरो नंबर रेस्ट टू जीरो कोई भी नंबर क्यों ना हो यहां पर बेस में ना कोई भी नंबर क्यों ना हो खाली जीरो नहीं होना चाहिए खाली जीरो नहीं होना चाहिए उसके अलावा कोई भी नंबर क्यों ना हो आंसर हमेशा आपको वन देगा आंसर हमेशा वन देगा क्लियर दैट्स योर सेवन लॉ सेवन लॉ से जीरो इंडेक्स एनीथिंग टू द पावर जीरो इज ऑलवेज टॉक अबाउट द लास्ट लॉ दैट इज कॉल्ड एज ए नेगेटिव लॉ वो आखिरी वाला लॉ हमारा नेगेटिव लॉ होगा क्या है ये नेगेटिव लॉ कभी कभार हमने देखा है पावर में ना नेगेटिव नंबर दिखता है पावर में या इंडेक्स में नेगेटिव नंबर दिखता है तो उससे होगा क्या बहुत फर्क पड़ता है देखो क्या है ए टू दावर माइनस एम क्या बोला मैंने ए टू दावर माइनस एम वेर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है रीजन ए डिनोमिटर में आ जाएगा और मैथ्स बोलता है कि एनीथिंग अपॉन अ जीरो इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड आंसर ही नहीं है उसका वो पॉसिबल ही नहीं है कुछ लोग बोलते हैं इनफाइनाइट कुछ लोग बोलते हैं नॉट डिफाइन इट्स फाइन चलेगा कुछ भी बोलो नो no प्रॉब्लम तो एनीथिंग टू द पावर नेगेटिव नंबर कैसे लिखेंगे सीधा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का ओके okay? तो ए टू द पावर माइनस एम इज इक्वल टू वन अपॉन ए टू द पावर एम इज इक्वल टू वन अपॉन ए टू द पावर एम क्लियर एग्जाम्पल एग्जाम्पल टू टू द पावर माइनस थ्री टू द पावर माइनस सर आंसर अपॉन उसको सीधा जैसे माइनस नेगेटिव नंबर में अगर fraction, पावर अगर नेगेटिव नेगेटिव पावर मुझे दिखता है तो सीधा फ्रैक्शन में कन्वर्ट सीधा फ्रैक्शन में कन्वर्ट डोंट थिंक अबाउट टू द क्यूब टू का फिर आंसर निकाल सकते हैं छोटे छोटे नंबर है ना कर सकते हो चलेगा ठीक है जितना आता है टू को तो तीन बार मल्टीप्लाई करना है टू टू झा फोर फोर टू झा एट आंसर आ गया अपने पास एट खत्म

राशनल नंबर अब भी हमने सेवंथ लॉ में देखा था एम अपॉन एन वाले फॉर्म में उसका मीनिंग है जो मैंने वहां पे लिख दिया था तो वो एक बार देख लेते हैं क्योंकि आपका एक एक्सरसाइज उसी बेसिस पे पर उससे पहले कुछ नोट है हमारे पास वेन ए टू दावर एम इज इक्वल टू ए टू द पावर एन वेन ए टू दावर एम इज इक्वल टू ए टू द पावर एन इसका मतलब क्या अगर बेस सेम तो पावर भी सेम अगेन आई रिपीट अगर बेस सेम तो पावर भी सेम सेम ए ए सेम सेम तो एम और एन एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे क्लियर लेट्स टॉक पावर एम इज इक्वल पावर आर सेम तो कहना ही सेम आई सेम जो ऊपर बोला था अगर बेस सेम तो इंडेक्स सेम यहां पे उल्टा है अगर पावर सेम या इंडेक्स सेम तो बेस भी सेम इज इक्वल टू बी डन ओके दिस इज डन दिस आर द टू इंपॉर्टेंट नोट वॉट यू कैन सी तो अभी तक मैंने आपको तीन नोट बताया जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है येस यू कैन कंसिडर दिस नोट एज एन इंपॉर्टेंट नोट ओके दिस इज एन इंपॉर्टेंट नोट क्या था अगर बेस सेम तो पावर भी सेम सेम लिखा अगर पावर सेम तो बेस भी सेम इज दट ओके हो गया हो गया ठीक है नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ नंबर्स विद राशनल नंबर्स मीनिंग ऑफ नंबर्स विद रैशनल इंडिसेस नंबर्स नहीं इंडिसेस रैशनल इंडिसेस का मतलब क्या फ्रैक्शन में दिखेगा तो उसका मतलब क्या होगा फ्रैक्शन में दिखा तो उसका मतलब क्या होगा इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं a टू द पावर 1 अपॉन n क्या बोला मैंने a टू द पावर 1 अपॉन n इज n रूट ऑफ a क्या पढ़ते हैं इसको मैंने अभी कहा था रूट हमेशा फ्रैक्शन में दिखेगा रूट हमेशा फ्रैक्शन में दिखेगा तो so, ये रूट है तो पढ़ोगे कैसे इसको एन थ्रूट ऑफ ए क्या पढ़ा इसको हमने एन थ्रूट ऑफ एग्जाम्पल फोर टू द पावर वन अपॉइंट टू वैन सेन अपॉइंट फोर फोर्थ रूट तो यहां पे हमने लिखा स्क्वेर रूट ऑफ फोर स्क्वायर रूट ऑफ फोर क्लियर ये पहला था इन जनरल समझे दिस इज रूट जब कभी भी कोई फ्रैक्शन में दिखेगा तो वो रूट होगा समथिंग अपॉन समथिंग दैट इज रूट वन अपॉन समथिंग में होना चाहिए इनडायरेक्टली आई कैन सी वन अपॉन समथिंग में होना चाहिए दैट इज रूट रूट ऊपर अगर कोई नंबर नंबर दिखा तो power है, root है. तो पावर पावर है है को बेस uh, के साथ भेजेंगे जैसे हमने एक लॉ सिक्स लॉ में पढ़ा था बस क्लियर दूसरा यहां पे देखो रैशनल नंबर दिखेगा आपको ये देखो एम अपॉन एन दिखा दिस इज नथिंग बट वॉट रैशनल अपॉन क्यू वाले फॉर्म है जहां पर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो नीचे वाले को जो नीचे दिख रहा है उसको रूट के नाम से जानेंगे तो लिखेंगे हाउ आर वी गोइंग टू रीड आउट दिस कैसे पढ़ना है एन थ्रूट ऑफ एम द पावर ऑफ एम एंथ रूट ऑफ एम्थ पावर ऑफ ए एम थ्रूट ऑफ एंथ पावर ऑफ ए क्लियर इसमें कुछ अलग चेंज करते यहां पे क्या किया था हमने पावर को अंदर रखा रूट को बाहर निकाला इस बार रूट को अंदर रखेंगे पावर को बाहर निकालेंगे ए टू पावर एम अपॉन एन इज इक्वल टू ए टू द पावर वन अपॉन एन द होल पावर एम द होल पावर एन एम पढ़ते कैसे है एम पावर ऑफ क्या पढ़ा इसको हमने एम्थ पावर ऑफ एंथ रूट ऑफ ए एम्थ पावर पहले तो इस पावर के साथ पढ़ो इस पावर के साथ एक क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन में हम देखेंगे कैसे करना है क्वेश्चन में मेंशन होगा कि रूट के फॉर्म में लिखना है या पावर के फॉर्म में लिखना है रूट के फॉर्म में लिखने बोला तो ऐसा लिखने का एंथ रूट ऑफ एम्थ पावर ऑफ ए और अगर पावर के फॉर्म में लिखने बोला तो पावर वाले फॉर्म में एम्थ पावर ऑफ एंथ रूट ऑफ ए क्लियर बस इतना खाली आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो नोट हमने अभी देखा इन जनरल जो भी हम पढ़ रहे थे वी कैन एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ नंबर्स नंबर्स दैट इज नंबर टू द पावर एम अपॉन एन तो इसको हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं देर आर टू वेज एक पावर के फॉर्म में पढ़ सकते हैं दूसरा रूट के फॉर्म में पढ़ सकते हैं पावर के फॉर्म में कैसे पढ़ता है तो एम द पावर ऑफ एन रूट ऑफ ए मतलब पावर बाहर रूट अंदर ठीक है और रूट के फॉर्म में कैसे पढ़ता है पावर अंदर रूट बाहर इनडायरेक्टली वाइस ऑफरसा यू कैन से खत्म क्लियर लेट्स टॉक अबाउट फ्यू ऑफ द दैट यू विल बी कवरिंग एक्सरसाइज 3.1 बहुत सिंपल सा है एक्सरसाइज 3.1 टेंशन नहीं है सिर्फ एक एक वर्ड में आंसर लिखना है क्वेश्चन दिखेगा सॉरी इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है टेंशन नहीं आंसर बहुत सिंपल है ओके वॉट इफ आई से अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ रूट ऑफ थर्टीन हाउ इज माई आंसर गोइंग टू लुक लाइक आई से थर्टीन फिफ्थ रूट की बात कर रूट वन अपॉइंट फाइव चाहिए तो ब्रैकेट डाल डालू पुट अ ब्रैकेट ओके ठीक है वेल वन सेकेंड नो प्रॉब्लम सो आई एल से थर्टीन टू द पावर वन अपॉइंट फाइव दैट्स माई फर्स्ट आंसर वी आर डन विद दिस क्लियर ओके तो ये तो हो गया चलो नो इश्यूज़ टॉक अबाउट दिस वन सिक्स रूट ऑफ नाइन इज सिक्स रूट ऑफ नाइन सेकंड वन सेकंड वन सिक्स रूट ऑफ नाइन नाइन लिखा द होल ब्रैकेट बनाने का और सिक्स रूट की बात करें मतलब वन अपॉइंट सिक्स इलियर ओके स्क्वेयर रूट ऑफ टू फिफ्टी सिक्स नो इश्यूज आंसर पता है हमको स्क्वेयर रूट स्क्वेयर रूट मतलब क्या बोलते हैं वन अपॉइंट So 256, the whole power of 1 by 2, the whole root of, that that's uh, whole bracket 1 by 2, cube root of 17, cube root of 17 fourth. I'll say 17, 17 to the power uh, whole root uh, power of 1 by 3, clear. Raised to 1 by 3, done. So that that was uh, fourth sum. लेट्स कमाउन टू फिफ्थ वन नाउ लेट्स टू फिफ्थ वन ओके आई एल राइट दिस वे नो इश्यू एथ रूट ऑफ हंड्रेड क्या बोला एथ रूट ऑफ हंड्रेड आई से हंड्रेड एथ रूट की बात कर रहे थे लास्ट सेवेंथ रूट ऑफ थर्टी सेवेंथ रूट ऑफ थर्टी सो थर्टी टू द पावर

राइट इन द फॉर्म ऑफ एंथ रूट ऑफ ए के फॉर्म में लिखना है अभी जैसे आपने जो क्वेश्चन देखा दिस क्वेश्चन योर नंबर इन दिस फॉर्म हमको क्वेश्चन बनाना है उस वाले क्वेश्चन में ठीक है चलो देखते हैं देखो अभी हम आंसर में ये सब लिखा कर रहे थे और क्वेश्चन कुछ और दिख रहा था तो यहां पे उल्टा है ये दिया है और उधर का जो क्वेश्चन था उस फॉर्म में लिखना है वन अपॉन फोर का मतलब क्या होता है फोर्थ रूट क्या बोला फोर्थ रूट वन अपॉइंट टू का मतलब स्क्वेर रूट वन अपॉइंट फाइव का मतलब फिफ्थ रूट वन अपॉइंट नाइन का मतलब नाइन्थ रूट अपॉइंट नाइनटीन नाइनटीन रूट वन अपॉइंट सेवन सेवेंथ रूट अब आंसर देखो कैसे लिखना है द फर्स्ट वन आई विल से फोर्थ रूट ऑफ एटी वन ये तो उधर का क्वेश्चन था तो मैंने अभी क्या बोला क्वेश्चन पहले वाले में था यहां पे जो है वो उधर का आंसर था सेम एज दैट घुमा फिरा के दिया है बस ठीक है द नेक्स्ट वन 49 नाइन टू द पावर वन बाई टू दैट मीन्स स्क्वेर रूट ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ 49 नाइन क्लियर नेक्स्ट थर्ड It says fifth root of fifteen. Fifth root of fifteen. Done. Okay. Fourth sum. Fourth sum. That says ninth root of nine. So sorry. Ninth root of 5 1 2 Done? Okay, fifth sum. Okay, I'll write this way. Please uh, thoda space ka hai. this is 19th root of 19th root of 100. Clear and the last sixth that is 7th root of 7th root of 6. डन खत्म वी आर डन विद द क्वेश्चन इजी उधर का क्वेश्चन इधर का आंसर इधर का क्वेश्चन उधर का आंसर भाई सा टेक्स्ट बुक वाले भी क्या क्या कर लेते हैं ठीक है द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट्स एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू फॉर यू पीपल दैट्स एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू फॉर यू पीपल अब यहां पर वो जो हम मीनिंग ऑफ रैशनल नंबर जो पढ़ रहे थे वो यहां पे यूज करना है द सेकेंड पार्ट

बहुत पर्पल पर्पल हो गया अब कुछ नया वॉयलेट सो सॉरी वॉयलेट नॉट पर्पल वॉयलेट ओके द फर्स्ट वन तो एक तो किया हुआ है आपके लिए क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टू ट्वेंटी रूट ऑफ क्यूब ऑफ टू ट्वेंटी बट इसके लिए करना है ऊपर वाला पावर नीचे वाला रूट क्या पढ़ेंगे पावर टू द रूट की बात कर रहे हैं मतलब फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ फोर्टी फाइव आई विल राइट इट हियर Uh, i'll try to accommodate here no problem fourth okay uh, i suppose that's not visible okay yes let's go with this so sorry fourth power of okay uh, I'll just write all the answers downwards space writing to the big. second.

उ आर वी गोइंग टू राइट सिंपल फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ फोर्टी फाइव फोर्थ पावर ऑफ फोर्टी फाइव दैट्स योर आंसर ओके ऊपर जो लिखा है उसको ही सिर्फ घुमा के लिखना था क्या लिखा फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 45, क्यों क्योंकि वो पावर टू द रूट की बात कर रहे थे उन्होंने यहां पे क्या बोला रूट टू द पावर मतलब रूट पहले पावर बाद में रूट पहले पावर बाद में क्लियर ओके लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन आई राइट इट हियर नो इश्यूज सिक्स पावर ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ एटी वन वट इज दैट सिक्स पावर ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ एटी वन सिक्स पावर ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ एटी वन इज दट ओके ठीक है अब रूट टू दावर उल्टा उल्टा एक्जैक्टली उल्टा सेवेंथ रूट ऑफ सो सॉरी सेवेंथ रूट ऑफ सिक्स पावर ऑफ एटी वन दैट्स योर आंसर दैट्स योर आंसर क्लियर हो गया थर्ड वाला जस्ट कवर दस टू क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर आई जस्ट डिस्कस डोंट वरी आई डिस्कस दो क्वेश्चन मैंने कर दिए नौ कुछ क्वेश्चन आप भी ट्राई कर सकते हो देखो क्या है फोर्थ पावर ऑफ विड आई से फोर्थ पावर ऊपर वाला पावर नीचे वाला रूट फोर्थ पावर ऑफ टेंथ रूट ऑफ हंड्रेड फोर्थ पावर ऑफ टेंथ रूट ऑफ हंड्रेड ओके लेट्स कम ऑन टू रूट टू द पावर टेंथ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ हंड्रेड नेक्स्ट वन क्यूब ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ ट्वेंटी वन थ्री थ्री इज नथिंग बट वॉट क्यूब तो वॉट वी विल बी राइटिंग इज देखो यहां पर भी थ्री ऊपर लिखा था तो क्यूब लिखा है वी विल ऑल्सो बी राइटिंग इट एज Cube of 7th root of 21. Cube of 7th root of 21. Clear? Okay, the next one. Next one. Okay, this is my last question. 7th root of 7th root of cube of 21. Clear? That, that, that's basically what your answer will look like. That's basically what your answer will look like. Okay, so this is done with the question number 1. This is done with the question number 1. Okay. लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज of exercise 3.2. द लास्ट क्वेश्चन of exercise 3.2. अभी जो आपने देखा है उसी चीज को यहां पर ये हमने अभी आंसर के फॉर्म में लिखा अब उधर का जो क्वेश्चन था वो यहां पे लिखना है मतलब वैसे ही टाइप में हमें कुछ यहां पे करना है देखो आप कैसे करेंगे स्क्वेर रूट ऑफ फिफ्थ पावर ऑफ 121. ट्वेंटी वन रूट ये रूट टू पावर की बात कर रहे थे चलेगा हमको आंसर तो ऐसा लिखना था ना फर्स्ट आंसर आई एल सी वन ट्वेंटी वन लिख देते पहले तो ओके लेटमी राइट इट दिस वे वन टू वन टू द होल रूप पावर ऑफ ऊपर सीधा फ्रैक्शन के फॉर्म में फिफ्थ पावर फाइव अपॉन स्क्वेयर रूट फाइव बाई टू दैट्स योर फर्स्ट आंसर क्लियर क्यूब ऑफ फोर्थ रूट ऑफ थ्री ट्वेंटी फोर एल राइट इट दिस वे बाजू में लिखता क्यूब ऑफ फोर्थ रूट ऑफ थ्री ट्वेंटी फोर पहले तो नंबर लिख लो एंड ऑलवेज ट्राई टू पुट दैट नंबर इन ब्रैकेट दैट विल रियली हेल्प यू ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो ओके क्यूब ऑफ आई से थ्री अपॉन फोर्थ रूट हो गया एक एक करके पढ़ने का क्यूब थ्री फोर्थ रूट फोर हो गया थर्ड थर्ड क्वेश्चन फिफ्थ रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264. ओके नो इश्यूज़. पहले तो नंबर ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू राइट द नंबर फर्स्ट दैट रियली हेल्प यू आउट 264, 264. स्क्वायर की बात कर रहे हैं टू अपॉन फिफ्थ रूट मतलब फाइव इज दट ओके एंड द लास्ट वन एंड द लास्ट वन क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ थ्री थ्री नंबर पहले नंबर फर्स्ट ऑलवेज ऑलवेज राइट द नंबर फर्स्ट क्यूब थ्री अपॉन क्यूब रूट थ्री डन डन विद द क्वेश्चन क्लियर समझा कैसे करना था एकदम सिंपल आई आई अज्यूम इससे छोटा अभी तक तो नहीं देखा होगा इससे छोटे छोटे आंसर आज तक तो आपने अभी तक नहीं देखा होगा ठीक है एंड द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर यू कैन एवर हैव द मोस्ट इजिएस्ट चैप्टर यू कैन एवर हैव Of the and indices, मतलब अगर ऐसे कोई फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखेगा तो उसको पढ़ते कैसे है ये हमने पढ़ा क्लियर साथ ही साथ हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए वी हैव कवर्ड टू प्रैक्टिस टू एक्सरसाइज बेसिकली फॉर यू पीपल ओनली वन एक्सरसाइज इज लेफ्ट दैट इज बेसिकली द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज टॉकिंग अबाउट क्यूब एंड क्यूब रूट सो बेसिकली वी विल बी कवरिंग दैट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर फॉर टुडेस लेक्चर दिस इज व्हाट वी हैव कवर्ड टिल नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल Okay so thank you everyone and i hope you have enjoyed the lecture okay chalo thank you bye bye everyone take care and stay safe thank you so much